फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन ज्ञात करो। किसका ये सही था इतना? ये समझ गए थे, ये तो कोई भी समझ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। कह रहे एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो ड्रॉ की गई है एक परपेंडिकुलर। क्या ड्रॉ की गई है? एक परपेंडिकुलर के रूप में ड्रॉ की गई है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर? टू द लाइन। इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। अब कहीं भी परपेंडिकुलर नहीं, कहां पे परपेंडिकुलर? थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द वाई। जहां पर ये लाइन मीट करती है किसको? वाई एक्सिस को। वहां पर एक लाइन क्या की गई? परपेंडिकुलर ड्रॉ, और उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। दोबारा पढ़ूंगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है भाई, एक लाइन ये दे रखी है। अच्छा है कोई माइकल लाल जो बता दे मुझे लाइन कौन सी फॉर्म में है भैया? अरे कौन सी फॉर्म में है? इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये लाइन हमें दे रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म में। आप इसको देख के बता सकते हो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां पे काटेगी? 40 यस और नो। और वाई एक्सिस को कहां पे मीट करती है ये? 06। पक्की बात है भाई? नहीं आई बात समझ में? अरे कौन सी फॉर्म में? इंटरसेप्ट फॉर्म। एक लाइन दे रखी है, फिर वो क्या बोलता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो, एक लाइन की इक्वेशन निकालो ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है, ये भी कहीं भी परपेंडिकुलर हो सकती है, लेकिन वो कुछ बोल रहे हैं, बताओ क्या बोल रहे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। एक लाइन ये हो गई, एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? इस लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो क्या बोलता है? ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट, थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट के थ्रू परपेंडिकुलर है जहां पर ये मीट करती है किसको? कहां मीट कर रही है? तो यहां पे परपेंडिकुलर है वो लाइन। हाँ या ना? नहीं आई बात समझ में? ये परपेंडिकुलर है जी, ये पक्की बात? नहीं आई बात समझ में? किधर भी बना दो, इधर बना दो, उधर बना दो। नहीं आई बात समझ में? बोलते हैं एक लाइन की क्वेश्चन निकालो जो इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो कहीं भी हो सकते हैं ना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर कहीं भी हो सकती है, लेकिन ना 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 ना, क्या बोल रहे हैं कि वो परपेंडिकुलर है कहां पर? थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स दी, कहां पे मीट करेगी? इंटरसेप्ट फॉर्म में तो बता देंगे कहां पे मीट करेगी, 06 पे। तो यहां पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है व्हाइट वाले की। क्लियर है भाई? अब बताओ कैसे निकालो यार। इसको नाम दे दो, इसको नाम दे दो L1, इसको नाम दे दो क्या? L2। हाँ या ना? अब बताओ इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको? एक पॉइंट तो देखा क्या? 06। और क्या चाहिए इसका? स्लोप। स्लोप कैसे निकलेगा? ये इसके ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो इसके स्लोप को नाम दे दो क्या? M1। इसके स्लोप को नाम दे दो क्या? M2। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है भाई, ध्यान देना, सभी ध्यान देंगे। क्या करोगे? लेट। अरे हाँ या ना? क्या करोगे? लेट। क्या लेट करोगे? M1 बी द स्लोप ऑफ किसका? L1 का। एंड M2 बी द स्लोप ऑफ किसका? L2 का। L2 का स्लोप निकाल सकते हो? L2 लाइन दे रखी है इंटरसेप्ट फॉर्म में, ये लिख भी देना, गिवन है हमारे पास L2। L2 गिवन है इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्या? x/4 प्लस y/6 =1 लिख देते हैं, अच्छा लगेगा, ताकि हमने बता दिया ये इंटरसेप्ट है। तो हमें क्या करना है? M1 बी द स्लोप ऑफ L1, M2 बी द स्लोप ऑफ L2, स्लोप ऑफ L2। क्लियर है भाई? अच्छा अब बता दो मुझे बता दो जो लेट करते हैं वो हमें निकालना होता है, M1 भी निकालना है, M2 भी निकालना है। कैसे निकलेगा बोलो, कैसे निकलेगा? L1 और L2 क्या है? परपेंडिकुलर। तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? -1। पक्की बात है? तो M1 मुझे निकालना है, क्या मैं M2 निकाल सकता हूं? दो पॉइंट दे रखे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। अरे हाँ हम बै इक्वल्स टू क्या? -1। इसको सॉल्व करेंगे तो M1 आ जाएगा यहां से, तो M1 इनटू में ये कितना आएगा? ऊपर -6, नीचे कितना आएगा? 4। हाँ या ना? इक्वल्स टू क्या? -1। काट दो इस -1 को, काट दो इसको, काट दो, 2 × 4 और 2 × 3 = 6। तो क्या आ गया?
एम वन इन टू में इधर क्या बच गया, 3/2, और ये माइनस माइनस तो कट चुका है, इक्वल्स टू क्या 1, तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एम वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/3, एम वन निकल गया, अरे निकल गया स्लोप। अब हमें एम वन पता लग गया और पॉइंट पता है, तो इक्वेशन निकाल लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एल वन बता दो, इक्वेशन ऑफ एल वन बता दो भाई इक्वेशन क्या होती है, एक पॉइंट और स्लोप पता है, वाई माइनस वाई वन अपॉन में एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू क्या वाई टू माइनस, हाँ इक्वल सॉरी इक्वल्स टू क्या एम वन, अरे हाँ या ना, अब पॉइंट पता है स्लोप पता है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, इसकी तो दे ही रखी है, इसकी निकालने में परपेंडिकुलर की, तो इक्वल्स टू क्या एम वन, वैल्यू ठोक दो, वाई माइनस वाई वन, वाई वन बोलो 6, एक्स माइनस एक्स वन बोलो 0, एम वन बोलो 2/3 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये 3y माइनस कितना हो जाएगा 18, अरे हाँ तो 0 तो हट ही जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2x, इसको यहाँ पे ले जाओ माइनस 2x प्लस 3y एंड माइनस 18 बराबर क्या 0, ये आगे माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस कॉमन, तो 2x माइनस 3y एंड प्लस 18 बराबर क्या 0, माइनस को 0 से उड़ा दीजिए तो क्या आ जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 18 बराबर 0, क्या आंसर है, समझ में आया क्वेश्चन, देखो